Assalamualaikum. कैसे हैं आप सब लोग उम्मीदें अच्छे होंगे सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम कहना चाहूँगी हमारे इस चैनल रिव्यूज़ टीवी पे आज हम एक लर्निंग वेबसाइट का रिव्यू करने जा रहे हैं सबसे पहले हम अपना गूगल, गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और उस पर टाइप करते हैं डब्ल्यू थ्री School. जब हमने डब्ल्यू थ्री स्कूल एंटर किया था, तो हमारे पास फ्रंट पे एक वेबसाइट आ गई है डब्ल्यू 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 डॉट डब्ल्यू थ्री स्कूल्स डॉट कॉम ये इसका थोड़ा सा मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है कि ये एक लर्निंग वेबसाइट है जो कि टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जाती है और कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दी गई हैं जो हमारी रीडिंग के लिए और हमारी बेस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ट्यूटोरियल्स भी इसमें दिए गए हैं चलें देखते हैं तो इसमें क्या है इसे ओपन कर लिया तो ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है इन्होंने लिखा हुआ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेब डेवलपर साइट ठीक है तो मतलब ये उन लोगों के लिए जो वेब डेवलपर डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या करते हैं यहाँ पे उन्होंने उनका लोगो लगा हुआ और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ऑप्शन जी हुए रेफरेंस एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज ठीक तो ये एच टी एम एल है ये एच टी एम एल का सेक्शन है कि एच टी एम एल आपने लर्न करनी है तो इधर क्लिक करें सी एस एस जावा स्क्रिप्ट एस क्यूएल भी दे रहे हैं ये लोग ऑफर कर रहे हैं इसके अलावा पाइथन पी एच पी जे क्यू जावा विद एक्सरसाइज एंड वेब टेम्पलेट्स दी हुई इन्होंने फ्री में ये तो काफ़ी अच्छी बात है वेब सर्टिफिकेट्स भी ऑफर कर रहे हैं ये लोग मतलब आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग लें और यहीं पर इनको कुछ अमाउंट पे करें और दूसरे सर्टिफिकेट बाई करें ठीक तो ये एस का सेक्शन है हम एस टी एम जा में जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग ठीक जैसे हम एस टी एम एल में एंटर हो गए हैं तो यहाँ पे एक लिस्ट है जो ये सब कुछ समझाएंगे एस टी एम एल के अंदर काफ़ी लंबी लिस्ट है मतलब ठीक है मतलब ये एक पूरा एक समझ लें कोर्स ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को हुँ. अच्छा इसमें ये होगा कि अगर आपने यहाँ से कोई कोर्स करना है चाहे एस टी एम एल का कर लें या सी एस एस का कर लें समझ लें ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इसको बिल्कुल ही डीप में जाके आपको रीड करना होगा क्योंकि अगर आप रीड नहीं करेंगे इन्होंने काफ़ी मटेरियल दिया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा अगर आप यहाँ पर रीड नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा अब जैसे इधर हम उन्होंने विद एग्जांपल्स दिए कोड दिया हुआ है विद एग्जांपल्स अच्छा और इन्होंने साथ एडिटर्स भी दिए हमें मतलब एडिटर जहाँ पे हम अपना कोड टाइप करते हैं और उसका साथ जब हम उसको नोट पेड पर जैसे हम नोट पेड नोट पेड प्लस प्लस में हम टाइप करते हैं और फिर उसका ओवरव्यू देखते हैं क्रोम पे आके या किसी भी ब्राउज़र जाके तो इन्होंने इसी के अंदर इसको अम्बेट कर दिया ट्राई योर सेल्फ़ ट्राई योर सेल्फ पर क्लिक करते हैं तो ये एक एडिटर है इधर आप जो भी कोडिंग इधर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो तो ये चेंजिंग हो जाएगी यहाँ पे और जो कोड आप यहाँ करोगे उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे शो होगा सी ठीक है ठीक है तो ये एक एस टी एम एल का कोर्स उसके बाद यहाँ पे सी एस एस का कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं अगर आप लोग एस टी एम एल सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सी एस एस भी आनी चाहिए आ, ये मतलब बेसिकली जैसे अगर आप मैट्रिक में और आपने सोचा है कि आप आगे जाके कंप्यूटर साइंस रखना चाहते हैं या आप अगर इंटर के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं तो आई थिंक आपको इस वेबसाइट से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है आप लोग अभी से स्टार्ट कर दो तो, मतलब अगर आप मैट्रिक में भी होना है तो मैं कहती हूँ आप अपने दिन में टू आवर्स ऐसे रख लो कि आप इस वेबसाइट को दो और यहाँ से आपको जितनी लर्निंग हो सकती है आप कर लो क्योंकि यही आपने बाद में भी जाना है यूनिवर्सिटीज़ में और फिर वहाँ पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आपने जा जाना है और कोर्सेज़ करने डिफ़रेंट जगहों पे जाके तो अगर आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा करोगे तो क्या पता आपको बाद में कोर्सेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े और बाद में की भी तो एटलीस्ट आप और ज़्यादा पॉलिश हो जाओगे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो आ ही जाएगी क्योंकि इन्होंने काफ़ी देखिए इन्होंने बूटस्ट्रैप स्ट्रैप भी दिया हुआ बूथ स्ट्रैप आपको पता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कितनी अच्छी इसमें वेबसाइट्स बन जाती हैं ठीक और जो ये लोग टेम्पलेट्स का दे कह रहे थे वो वाली भी एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने जो आप टेम्पलेट्स ब्राउज करते हैं यहाँ पे ये आपको पूरा टेम्पलेट कह दिया हुआ है इन्होंने टेम्पलेट्स दिए हुए विद कोड और आप इनको यूज़ कर सकते हो काफ़ी जगह पे जैसे अगर आपने पोर्टफोलियो अपना बनाना है ये देखिए वेडिंग इन्विटेशन टेम्पलेट दिया हुआ है फ़ोटो टैंपलेट ब्लैक मतलब इधर से आप कोई भी सी वी टेम्पलेट दिया हुआ है कोई भी ट्राइड योर सब करते हैं सी आपके पास यहाँ पे फुल कोड है आप यहाँ से इज़िली सारे कोड को कॉपी को, को कर सकते हैं और जाके अपने अपने पास पेस्ट करके जस्ट पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये पूरी वेबसाइट बनी बनाई आपको तैयार मिल जाएगी तो आपने ये नहीं करना कि बस इसी को लेके रख लेना आपने इसमें एडिट करना जैसे यहाँ पे नेम एड्रेस जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है आपने वो डालनी है या जिसके लिए भी आप बना रहे हैं आपने उसके लिए डालनी है मतलब इन्होंने फ्री आपको कोड दिया हुआ तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है आपको फ्री में ही इतनी ज़्यादा टैंपलेट्स उन्होंने दी हुई हैं क्योंकि अगर आप सर्च करने जाओगे तो आपको काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर टैंपलेट मिल तो जाती है लेकिन वो फिर आपको पे पेड मिलती हैं इसके लिए आपको पे करना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं सी प्लस प्लस सी हैश वेब डेवलपमेंट एक्ज और इसके बाद आप लोग यहाँ से अगर आपने यहाँ से कोई पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग कर ली है जैसे एसटीमल के आपने प्रॉपर सारे उसके लेक्चर्स ले लिए हैं सब कुछ पढ़ लिया तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ की इस पे जाके आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो उसके बाद इसकी इस पे कोइजेस दे सकते हो आपके छोटे छोटे टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद यहाँ से आप सर्टिफिकेट अगर लेना चाहो तो एच टी एम एल सर्टिफिकेट्स प्रूफ द फंडामेंटल अच्छा ये वर, ये आई थिंक आप लोगों को सेंड कर देंगे या आप लोगों ने बाय करना होगा जैसे अगर आप बायर भी किसी कोर्स करने जाते हो कोई तो वो जो एंड में सर्टिफिकेट होता है उसके चार्जेस अलग होते हैं तो ये लोग चार्जेस ले रहे हैं नाइन्टी फाइव hmm. डॉलर्स तो जो अगर लेना चाहे तो नॉट बैड अगर सर्टिफिकेट का अक्सर लोगों को शौक़ होता है लेकिन सर्टिफिकेट से अच्छा है कि आप लोग लर्न करें क्योंकि आजकल जैसे टाइम चल रहा है आ, सब लोग अपने घरों में हैं तो ये बहुत अच्छा एक आपके पास चांस है कि आप लोग कुछ गेन कर सकते हो कुछ स्किल्स ले सकते हो तो ऐसी वेबसाइट्स को यूज़ करें और इनमें से स्किल्स लें क्योंकि यही स्किल्स आपको बाद में जाके काफ़ी हेल्प करेंगी ना कि आपकी डिग्री डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर और नथिंग अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो स्किल्स के बिना कुछ भी नहीं होता यहाँ पे अगर आप जैसे ही गेट सर्टिफिकेट नाउट करेंगे तो वो आपसे पेमेंट मेथड का पूछेगा कि आपने कैसे पे करना है। तो ये वेबसाइट काफ़ी काफ़ी अच्छी थी अगर आप इस पर फोकस करके पढ़ पढ़ें क्योंकि आई थिंक ज़्यादातर तो टीचर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए पढ़ाते भी हैं तो अक्सर बच्चों को इसका पता भी होगा लेकिन वो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि क्लास में तो पढ़ लिया लेकिन अगर घर में आके भी थोड़ा टाइम इस पर दें तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है नो no डाउट अगर आपको ये वेबसाइट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़